नमस्कार, मैं जसरीत कौर और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल और सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। न्यूज आप सभी देखते हैं। आज गुना, गुनेगार और किस तरीके से यह लोग इतने भयंकर गुना को अंजाम देते हैं, वह भी सुनेंगे। हो सकता है गुनेगार आपके साथ बैठा हो, आपके घर के बगल में ही गुना कर रहा हो। ऐसी ही स्थिति कई जगह देखी जाती है। ऐसी ही किस्से हम आपको आज बताएंगे वीकली क्राइम रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के उज्जैन से 8 पुलिस वालों को मार गिराने वाले मुख्य आरोपी विकास दुबे गिरफ्तार, जिसके ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। साथ ही साथ इनके 2 साथी एनकाउंटर में मारे गए। लेकिन अब बात करें विकास दुबे की, तो उनको भी मारना पड़ा, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद उन्होंने भागने की कोशिश की और गन छीनकर भाग रहे थे। उसी वक्त डिफेंस में पुलिस को गोली चलानी पड़ी और इसी में एनकाउंटर हो गया। तो आइए आपको इस घटना की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। 8 पुलिस वालों की हत्या का मुख्य आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार। महाकाल दर्शन करने गया था, 2 जुलाई से था फरार। पुलिस ने घोषित की थी 5 लाख रुपए का इनाम। कानपुर के बिक्र में हो शूट आउट का मुख्य आरोपी विकास दुबे मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जाता है कि वह महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए गया था। उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम उसे पिछले 6 दिनों से खोज रही थी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि गैंगस्टर विकास दुबे मध्य प्रदेश पुलिस की कस्टडी में है। गिरफ्तारी कैसे हुई, इसके बारे में अभी कुछ कहना ठीक नहीं है। 8 पुलिस कर्मियों का हत्यारा विकास दुबे के 2 और साथी ढेर। कानपुर में प्रभात मिश्रा तो इटावा में बउआ दुबे का एनकाउंटर। कानपुर शूटआउट के मुख्य आरोपी विकास दुबे के करीबी बउआ दुबे और प्रभात मिश्रा को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। प्रभात मिश्रा को पुलिस ने फरीदाबाद के होटल से गिरफ्तार किया था। बताया जा रहा है कि प्रभात पुलिस की कस्टडी से भाग रहा था, इसके बाद एनकाउंटर में प्रभात को मार गिराया गया। इसके अलावा इटावा में विकास दुबे के करीबी बउआ दुबे को मार गिराया गया। पुलिस के मुताबिक बउआ दुबे ने देर रात महुआ के पास हाईवे पर स्विफ्ट डिजायर कार को लूटा था। उसके साथ 3 और बदमाश थे। पुलिस को लूट की जैसे ही खबर मिली, पुलिस ने चारों को सिविल लाइन थाने में कुचरा रोड पर घेर लिया। पुलिस और बउआ दुबे के बीच फायरिंग शुरू हो गई। इस फायरिंग में बउआ दुबे को ढेर कर दिया गया। हालांकि उसके 3 साथी भागने में कामयाब रहे। इटावा पुलिस के आसपास के जिले में अलर्ट कर दिया है। बउआ दुबे पर पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम रखा था। वह भी कानपुर शूटआउट का एक मुख्य आरोपी था। गैंगस्टर विकास दुबे मारा गया। कानपुर में विकास की गाड़ी पलटने के बाद पुलिस की पिस्तौल छीनकर भागने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में सीने और कमर में गोली लगने से मौत। कानपुर के बीकरू गांव में सीओ समेत 8 पुलिस वालों की हत्या करने वाला गैंगस्टर विकास दुबे शुक्रवार सुबह एनकाउंटर में मारा गया। यूपी एसटीएफ की टीम से उज्जैन से कानपुर ले जा रही थी, लेकिन शहर के 17 किलोमीटर पहले बारा थाना क्षेत्र में सुबह 6:30 पर काफिले की एक गाड़ी पलट गई। विकास उसी गाड़ी में बैठा था। हादसे के बाद उसने पुलिस की टीम से पिस्तौल छीनकर हमला करने की कोशिश की। जवाबी कार में वह बुरी तरह से जख्मी हो गया। उसे सीने और कमर में 2 गोली लगी। बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे 7:55 पर मृत घोषित कर दिया गया। कानपुर रेंज के आईजी ने विकास के मारे जाने की पुष्टि की है। विकास को गुरुवार को उज्जैन के महाकाल मंदिर से गिरफ्तार किया गया था। हादसे को लेकर यूपी एसटीएफ के अफसर अभी कुछ बोलने को बच रहे हैं। माना जा रहा है कि तेज बारिश की वजह से गाड़ी पलट गई। एनकाउंटर में एसटीएफ के 4 जवानों के घायल होने की खबर है। रायगंज के टीएमसी नेता पार्षद पर हुआ हमला। आरोप है कि बीजेपी नेता प्रदीप सरकार ने उन पर हमला बोल दिया। टीएमसी नेता पर बाहर से युवक को बुलाकर उन पर हमला करवाया गया, पर बीजेपी नेता का यह कहना है कि उन्होंने नहीं, टीएमसी नेता ने उनके घर पर हमला करवाया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। आइए आपको इस घटना की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। रायगंज में देवी नगर इलाके में तृणमूल कांग्रेस पार्षद पर हुआ हमला। बीजेपी नेता के खिलाफ दर्ज कराई गई प्राथमिकी। रायगंज के देवी नगर इलाके में भाजपा नेता प्रदीप सरकार के घर के पास कुछ युवक खाली जगह में कैरम खेलते हैं। वहां पर बुधवार शाम को गाड़ी रखने को लेकर युवकों में विवाद हो गया। यह खबर फैलते ही स्थानीय पार्षद तथा तृणमूल कांग्रेस नेता अभिजीत शाह मौके पर पहुंचे। उन्होंने युवकों में चढ़ रहे विवाद को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन आरोप है कि उसी समय भाजपा नेता प्रदीप सरकार ने उन पर हमला बोल दिया। तृणमूल नेता ने बताया कि बाहर से युवकों को बुलाकर उन पर हमला करवाया गया है। उनके कपड़े फाड़ दिए गए, उनके साथ मारपीट की गई। इस संबंध में लिखित प्राथमिकी उन्होंने थाने में दर्ज कराई है। हालांकि भाजपा नेता प्रदीप सरकार ने बताया कि उनके द्वारा कोई हमला नहीं किया गया, बल्कि तृणमूल समर्थकों ने उनके घर पर हमला किया है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। पूर्व प्रधान को गोली मारने की घटना सामने आई है, जिसमें 2 टीएमसी कर्मी भी घायल हो गए।
घटना के पीछे कांग्रेस और सीपीआईएम के गठबंधन बदमाशों का हाथ बताया जा रहा है। आइए इस राजनीतिक घटना की आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। पूर्व प्रधान को गोली मारने की घटना के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस ने किया बंद का आह्वान। गोली लगने से पूर्व प्रधान समेत दो तृणमूल कांग्रेस कर्मी हुए थे घायल। घटना के पीछे कांग्रेस सीपीआईएम गठबंधन समर्थित बदमाशों का हाथ होने का आरोप। तृणमूल कांग्रेस के पूर्व प्रधान समेत दो तृणमूल कर्मियों को गोली मारकर घायल करने की घटना के खिलाफ मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस की ओर से उत्तर दिनाजपुर जीएल के चोपड़ा के दासपाड़ा ग्राम पंचायत इलाके में 12 घंटे बंद का आह्वान किया है। तृणमूल नेताओं ने आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने की मांग की है। दूसरी ओर सत्ताधारी पार्टी की ओर से पुलिस पर विश्वास जताते हुए सरकार के दिशा निर्देशों के विपरीत बंद बुलाए जाने को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। गौरतलब है कि सोमवार को बदमाशों द्वारा चलाई गई गोली से तृणमूल कांग्रेस के पूर्व प्रधान समेत दो तृणमूल कांग्रेस कर्मी घायल हो गए थे। चोपड़ा थाने के गेड़ाबाड़ी बाजार इलाके में कल इस घटना के बाद से इलाके में काफी तनाव देखा गया। घायल तृणमूल कांग्रेस कर्मियों के नाम अब्दुल हुसैन व मुस्तफा कमाल है। दोनों स्थानीय अंबिकानगर इलाके के रहने वाले हैं। घटना के पीछे सीपीएम और कांग्रेस गठबंधन समर्थित बदमाशों का हाथ होने का दावा किया जा रहा है। चोपड़ा पंचायत समिति के अध्यक्ष व तृणमूल नेता मोहम्मद अजहरुद्दीन ने बताया कि कल पेट्रोल व डीजल की मूल्य वृद्धि के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की ओर से विरोध रैली का आयोजन किया गया था। वहीं सीपीएम एवं कांग्रेस गठबंधन समर्थित बदमाशों ने उनके पार्टी के दो लोगों पर गोली चलाई जिसमें वे लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इनमें से एक घायल को मेडिकल कॉलेज व दूसरे को सिलीगुड़ी के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। पुलिस घटना की जांच शुरू कर दी है। इलाके में पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। मालदा से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आ रही है। घटना कुछ इस प्रकार है कि एक टोटो विस्फोट हो गया, हाथ काफी दूर जाकर गिर गए, सर कहीं और किसी छत पर जाकर गिर गया। इस पूरे घटना की जांच एक स्पेशल टीम कर रही है। पुलिस भी पहुंची स्थिति का जायजा लेने। आइए आपको वहां की तस्वीर दिखाते हैं। टोटो विस्फोट कांड मालदा पहुंची स्पेशल फोरेंसिक टीम। 5 दिनों बाद फोरेंसिक टीम सदस्यों ने विस्फोट स्थल से नमूने संग्रहित किए। विस्फोट में टोटो चालक की हुई थी मौत। मालदा में टोटो विस्फोट कांड के 5 दिनों के बाद रविवार को सेंट्रल फोरेंसिक टीम के सदस्य घटना स्थल पर पहुंचकर हालातों का जायजा लिया। रविवार सुबह सेंट्रल फोरेंसिक दल के 2 सदस्य मालदा शहर के घोड़ा पीर के घोषपाड़ा पहुंचे जहां पिछले बुधवार को टोटो में विस्फोट हुआ था। फोरेंसिक टीम के सदस्यों ने आज विस्फोट स्थल का दौरा कर वहां से नमूने संग्रहित किए। उनके साथ मालदा के एसपी आलोक रजूरिया समेत पुलिस के आला अधिकारी मौजूद थे। फोरेंसिक टीम के सदस्य मौके वारदात पर पहुंचकर टोटो की बैटरी विस्फोट में मारे गए टोटो चालक के शरीर के कुछ हिस्से आदि नमूने जांच के लिए इकट्ठा किए। लोगों ने पुलिस व स्थानीय लोगों ने विस्फोट के बाद आसपास के पर्यावरण के बारे में भी जानकारी ली। पुलिस अधिकारियों के साथ साथ स्थानीय लोगों से फोरेंसिक टीम के सदस्यों ने भी पूछताछ की। रविवार सुबह 11 बजे के करीब मालदा के एसपी आलोक रजूरिया व पुलिस के आला अधिकारियों की उपस्थिति में सेंट्रल फोरेंसिक टीम के अधिकारी विस्फोट स्थल पर पहुंचे। पिछले बुधवार को यहां टोटो में विस्फोट हुआ था जिसमें चालक इस्माइल शेख की मृत्यु हो गई थी। विस्फोट में उसके शरीर के परखच्चे उड़ गए थे। टोटो में प्लाईवुड के विभिन्न उपकरण के साथ गोंद व रंग पाया गया। इस दौरान रास्ते में राज्य सड़क पर अचानक टोटो में विस्फोट होने से टोटो व उसके चालक के परखच्चे उड़ गए। एसपी आलोक रजूरिया ने बताया कि टोटो विस्फोट कांड की जांच की जा रही है। प्राथमिक तौर पर टोटो की बैटरी में विस्फोट होने की बात सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि सेंट्रल फोरेंसिक टीम के सदस्य घटना स्थल का दौरा किए हैं। वे लोग अपने स्तर पर जांच कर रहे हैं। फोरेंसिक टीम के रिपोर्ट्स आने के बाद ही विस्फोट के असली कारणों का पता चल पाएगा। उत्तर 24 परगना की बात करें तो वहां पर से एक तस्वीर सामने आ रही है जहां पर तूफान से बहुत क्षति पहुंची है और इसका मुआवजा लेने जब ग्रामीण पहुंचे तो ऐसा बताया जा रहा है कि मुआवजे की राशि देने में बहुत घोटाला हो रहा है। 6 लोग घायल। आइए आपको वहां की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। बाजारहाट में चक्रवर्ती अफमान तूफान का मुआवजा लेने गए ग्रामीणों पर हुआ हमला, 6 लोग हुए हैं घायल। उत्तर 24 परगना में चक्रवर्ती तूफान अफमान ने काफी तबाही मचाई है और यही कारण है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से मुआवजा का ऐलान किया गया है, लेकिन मुआवजे की राशि में लेने में काफी घोटाला किया जा रहा है। जो वास्तविक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं उनको यह राशि नहीं मिल रही है और जो क्षतिग्रस्त नहीं हुए हैं उनको राशि दी जा रही है। इसमें व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है। बासरहाट के हालगंज थाना अंतर्गत दलदल ग्राम पंचायत के कोठाबाड़ी ग्राम पंचायत के 149 नंबर बूथ के निवासी अपना मुआवजा लेने के लिए तृणमूल ग्राम पंचायत के सदस्य के पास गए थे, लेकिन आरोप है कि उन्होंने रुपए नहीं दिए, उल्टा उस पर हमला कर दिया। ग्रामवासियों का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस नेता विश्वजीत मोइती, दुलदुल ग्राम पंचायत के सदस्य ममता सत्तार मुंडा और उनके पति आशुतोष मुंडा ने ग्रामीणों पर अपने दलबल के साथ
हमला कर दिया और इस घटना में 6 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दूसरी तरफ हियालगंज थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। जलपाईगुड़ी से एक भयानक तस्वीर सामने आ रही है, जहां पर प्रेमिका के पूरे परिवार पर जानलेवा हमला किया गया। प्रेम प्रस्ताव ठुकरा दिया, इसलिए मारने चला गया ये प्रेमी। और सबसे पहला वार इसके पिता को किया गया, फिर उनकी बेटी को और फिर माँ पर आखिर में हमला किया गया। सबसे ज्यादा घायल यहाँ पर पिता और बेटी दिखाई दिए गए। उनकी चीखा चिल्ली सुनकर आसपास के लोग देखने आए और फिर ही पुलिस को बुलाया गया। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस भी पहुंच गई और फिर हॉस्पिटल पहुंचाया गया। आइए आपको इस दर्दनाक घटना की एक तस्वीर दिखाते हैं। जलपाईगुड़ी में प्रेम में असफल युवक ने प्रेमिका के पूरे परिवार पर किया चाकू से हमला, गंभीर रूप में घायल। माँ, बेटी और पिता को अस्पताल में कराया गया है भर्ती। जलपाईगुड़ी के शिल्पी समिति पाड़ा में उस समय उत्तेजना फैल गई, जब सुनने में आया कि एक युवक ने पूरे परिवार पर चाकू से हमला कर दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक युवक शिलपाड़ा निवासी एक शिक्षक के घर में आया और कॉलिंग बेल बजाया। शिक्षक ने जैसा ही दरवाजा खोला, युवक ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। शिक्षक की चीख पुकार सुनकर उसकी बेटी दौड़ी आई तो युवक ने उस पर भी जोरदार प्रहार कर दिया। पिता और बेटी की आवाज सुनकर माँ आई तो युवक ने उस पर भी चाकू से हमला कर दिया। पूरे परिवार की चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोग एकत्रित हो गए और युवक को पकड़ लिया। इस घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई और सूचना मिलते ही जलपाईगुड़ी कोतवाली थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और माँ, बेटी और पिता को जलपाईगुड़ी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दिया है। स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हमला करने वाला युवक पहले उस शिक्षक से प्राइवेट ट्यूशन पढ़ता था। उसने उसकी बेटी से प्रेम प्रस्ताव दिया था, लेकिन लड़की ने इनकार कर दिया। इसके बाद उसने पूरे परिवार पर चाकू से हमला कर दिया है। घर बनाने के लिए लोन के पैसे घर लाए गए थे, लेकिन उसी दिन चोरी हो गई। इसी घटना की खबर सुनकर जलपाईगुड़ी पुलिस पहुंची और स्थिति का जायजा लेने लगी। आइए आपको इस घटना की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। घर बनाने के लिए रखे पैसों की दिन दहाड़े चोरी से हड़कंप, घर में घुसकर चोरों ने घटना को दिया अंजाम। घर बनाने के लिए बैंक से लिए गए लोन के पैसे दिन दहाड़े घर से चुरा लिए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जलपाईगुड़ी पांडापाड़ा पाव बाजार इलाके में रविवार को इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। इलाके के रहने वाली डॉली दास ने बताया कि उनके घर के सामने चाय व फल की दुकान है। उसके पति व 2 बेटे दुकान में थे। उसी दौरान घर के भीतर सूटकेस में रखे गए करीब 75,000 रुपए चोरों ने चुरा लिए। डॉली दास के पति सुकुमार दास ने बताया कि दीवार फाड़ने की आवाज सुनकर वे दौड़ पड़े और घर पहुंचे, तभी उसने एक चोर को भागते हुए देखा, लेकिन वे उसे पकड़ नहीं पाए। इधर चोरी की खबर मिलते ही जलपाईगुड़ी कोतवाली थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि चोरों की तलाश की जा रही है। रायगंज से एक और तस्वीर सामने आ रही है, जहां पर मृतक विधवा महिला का शव उसके ही बाथरूम से बरामद हुआ, जिसका नाम मजीदा खातून बताया जा रहा है। रिश्तेदारों का ऐसा कहना है कि लूटपाट के लिए ही की गई होगी उनकी हत्या। रायगंज में एक विधवा महिला की हत्या से पहले सनसनी मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस। रायगंज के पिंदाल इलाके में आज एक महिला का शव उसके ही घर के बाथरूम में बरामद किया गया। मृतक महिला का नाम मजेदा खातून है और उसकी उम्र 56 साल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वह घर में अकेली रहती थी। उसके रिश्तेदारों का अनुमान है कि संभवतः लूटपाट के कारण उसकी हत्या की गई है। कुछ दिन पहले ही उसने 2 खासी बिक्री की थी, जिससे 18,000 रुपए मिले थे। इसके अलावा उसके बेटे ने भी पैसे भेजा था। संभवतः लुटेरों ने उसको लूटने के लिए आए थे, लेकिन उनको वहां पहचानती थी, इसलिए धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। दूसरी तरफ पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेने के बाद रायगंज मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेजकर घटना की जांच शुरू कर दी है। महिला के रिश्तेदारों से मिली जानकारी के अनुसार उसके 2 बेटे हैं, जो दूसरे राज्यों में काम करते हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। 7 केजी गांजा मिला है बागडोगरा में। एक नाका चेकिंग जो कि सूचना के हिसाब से की जा रही थी, कुछ बिहार से आ रही थी ये गाड़ी, जिसमें गांजा मिला है। पूरी की पूरी गाड़ी खोल दी गई है, जिसमें गेट के अंदर तक से गांजा बरामद हुआ है। आइए आपको इस घटना की एक तस्वीर दिखाते हैं। तो what happened, I will narrate you. So actually yesterday it was secret source information, you know, कि एखाने अराउंड 60 केजी गांजा जेटा कुछ बिहार थे के एखाने आसछे।
then after we just started our NACA at different places, and the joint effort of DD Siliguri PC and the Bagdogra police team started NACA at different places. So जब ये गाड़ी जो थी अल्टो LXI कार मॉडल था, when it was reaching Bagdogra PS, so when the Bagdogra team tried to stop the wreck kill, it didn't stop. So OC Bagdogra and his team just chased that wreck kill. So after chasing it, it was intercepted at Bihar Mode, Gurdwara jeta Bagdogra PS te ache. Okhane car intercept hole. ये वो गाड़ी है जिसमें गांजा स्मगलिंग हो रहा था, और पुलिस ने इस गाड़ी को हर तरह से खोल के निकाला, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से भी, और ये दरवाजे में सब में गांजे को छुपाया गया था, यहाँ तक भी पीछे भी। ये गाड़ी संपूर्ण तरह से नई है, और ये जो देख रहे हैं आप, यहाँ भी गांजा को रखा गया था। बारीकी से देख लीजिए, इस जगह में गांजे का स्मगलिंग कर रहे थे यहाँ पे रख के। ये वो अल्टो है गाड़ी, बिल्कुल नई सी। ऐसे ही गुनाह और गुनाहों की खबरों के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक आप देखते रहिए SK Live।